जहानाबाद में धनतेरस की रात अपराधियों द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सक सुनील कुमार मस्ताना की गोली मारकर हत्या किए जाने के विरोध में निजामुद्दीनपुर से कैंडल मार्च निकाला गया और दिवंगत चिकित्सक को लोगों ने श्रद्धांजलि दी। शहर के निजामुद्दीनपुर के पास से जिले के सभी राजनीतिक दल और स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च में हिस्सा लिया। कैंडल मार्च निजामुद्दीनपुर से निकलकर ऊंटा मोड़, डीएम आवास होते हुए काको मोड़ पर वापस पहुंचा, जहां मृत चिकित्सक को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आपको बता दें कि घटना के 72 घंटे से अधिक गुजर जाने के बाद भी सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगने के बावजूद पुलिस के हाथ अपराधियों तक नहीं पहुंचे हैं। मार्च में शामिल लोगों ने पुलिस प्रशासन के इस अकर्मण्यता के विरोध में नारे लगाए। जिला प्रशासन शर्म करो, सुनील मस्ताना अमर रहे के नारे लगाए जा रहे थे। कैंडल मार्च के माध्यम से हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग लोगों ने की है। वहीं कैंडल मार्च में शामिल आरजेडी विधायक सहतेली साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष रणविजय साहू ने बताया कि धनतेरस की रात घटना होने के बाद अब तक पुलिस किसी अपराधी को गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री, डीजीपी और जिला प्रशासन को आगाह करते हुए कहा कि अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द हो, नहीं तो इससे भी बड़ा आंदोलन जहानाबाद की सड़कों पर होगा। कैंडल मार्च में आरजेडी के डॉक्टर शशि रंजन उर्फ पप्पू यादव, बैकुंठ यादव, बीजेपी के दामोदर साव, सामाजिक कार्यकर्ता प्रहलाद भारद्वाज सहित कई राजनीतिक दल के लोग और स्थानीय लोग शामिल रहे। जहानाबाद न्यूज के लिए वीरभद्र सिन्हा उर्फ गप्पू की रिपोर्ट। डॉक्टर सुनील मस्ताना जी का जो पेशे से एक वैद्य थे, वह समाज का सेवा करते थे, उनकी निर्मम हत्या गोली मारकर अपराधियों के द्वारा किया गया। 72 घंटा बीतने के बाद भी आज तक प्रशासन उन अपराधियों तक नहीं पहुंच पाई, इसलिए तो आम जनता है, आम लोग हैं। आज आम लोग अपने गुस्सा के इजहार कर रहे हैं और जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं, डीजीपी से मांग कर रहे हैं कि अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द हो, नहीं तो इससे भी बड़ा आंदोलन यहाँ के नागरिक करने का काम करेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे जघन्य हत्या है, समाज में ऐसे हत्या का कहीं स्थान नहीं, और पूरी तौर पर प्रशासन का विफलता है। चंद कदमों पर एसपी साहब का ऑफिस है, चंद कदमों पर थाना है, उसके बाद अपराधी घटना को अंजाम देता है और इस पर्व के माहौल में भी वह निकल जाता है, तो निश्चित तौर पे प्रशासन का नाकामी है। और हम यहाँ के जो स्थानीय एसपी हैं, हम आपके माध्यम से मांग करना चाहते हैं इस परिवार के लिए सुरक्षा के इंतजाम हो और जो अपराधी हैं उनको तत्काल चिन्हित करके गिरफ्तारी हो, स्पीडी ट्रायल के माध्यम से उनकी सजा सुनिश्चित हो, परिवार के 50 लाख का मुआवजा मिले। और बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र आने वाला है दिसंबर माह में, हम ये बात सदन में उठा के इस घटना का उच्च स्तरीय जांच की मांग की, हम मांग भी करें। पूरे बिहार में खासकर व्यवसायियों को टारगेट करके अपराधी अपने निशाने पर लिए हुए हैं। पूरे तौर पर शासन प्रशासन विफल है, सरकार विफल है। और जिस प्रकार से दोहरी हत्याकांड, आज से एक सप्ताह पहले भी एक व्यक्ति की हत्या हुई, उसके बाद सुनील मस्ताना जी जो पेशे से वैद्य है, ये तो सेवा करने का काम होता है, दूसरों को सेवा करने का काम होता है, और ऐसी व्यक्ति का ये जघन्य हत्या कर देना, तो निश्चित तौर पे अपराधियों में कोई खौफ नहीं है प्रशासन का। एसपी साहब को अपराधी पर कहीं भी कोई लगाम नहीं है, और हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से और परिवार को हम डीजीपी से भी ले जाके मिलाने वाले हैं हम निश्चित तौर पे, और हमारा यह आंदोलन भी चलेगा लगातार। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिले, यानी अपराधी जब तक पकड़े नहीं जाते हैं, तब तक हमेशा हम लोग इस काम के लिए लड़ते रहेंगे।